मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज BSc पार्ट सेकंड भौतिक शास्त्र विषय के एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम डायोड एंड जीनर डायोड करैक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है, किस प्रकार कैलकुलेशन की जाती है, उस पार्ट को डिस्कस करूंगा और एक्सपेरिमेंट लैब में किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में आपको डॉक्टर हेमंत महावर बताएंगे। तो हम आज डायोड एंड जीनर डायोड करैक्टरिस्टिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स और इन करैक्टरिस्टिक्स को खींचने का एडवांटेज क्या है, इसका डिस्कस करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ अविलक्षणिक वक्र होता है, या करैक्टरिस्टिक्स कर्व भी इसको कह सकते हैं। तो यह कर्व चाहे वह पीएन संधि डायोड हो या जीनर डायोड हो, उनके करंट और वोल्टेज के मध्य क्या संबंध है, किस प्रकार से वोल्टेज को चेंज करने पर करंट का मान चेंज होता है, वह शो करते हैं। फॉरवर्ड वाइज में हम जानते हैं कि डायोड हो या जीनर डायोड हो, जीनर डायोड और डायोड में कोई बहुत अंतर नहीं है, खाली करैक्टरिस्टिक्स में अंतर है। करैक्टरिस्टिक्स जीनर डायोड की इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज से अधिक वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान एकदम बढ़ जाता है, और इस प्रॉपर्टी का बड़ा एडवांटेज है। और अगर फैब्रिकेशन की बात करें तो जीनर डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन डायोड के बजाय अधिक होती है, यह इनके फैब्रिकेशन या निर्माण में अंतर है। कितनी होती है, कैसे होती है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, ये आपको थ्योरी में डिस्कस कर दिया गया है पहले ही। तो हम इन करैक्टरिस्टिक्स की अध्ययन करते हैं। तो उद्देश्य है पीएन संधि डायोड व जीनर डायोड के आईवी अविलक्षणिक वक्रों का अध्ययन करना। जब इन डायोड के अविलक्षणिक वक्रों का अध्ययन करना है तो किन किन ऑपरेटर्स की आवश्यकता होगी, वह हमने यहां दे रखे हैं कि डायोड पीएन संधि डायोड, जीनर डायोड, चूंकि वोल्टेज और करंट में रिलेशन को शो करना है ग्राफ पेपर पे, तो निश्चित रूप से एक वोल्टेज के लिए सोर्स चाहिए, और उस हेतु हम एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई का यूज करते हैं। जब फॉरवर्ड बायस में डायोड होता है तब धारा का मान मिलीमीटर में प्राप्त होता है, इसलिए एक मिलीमीटर चाहिए। और डायोड के रिवर्स बायस में होने पर करंट माइक्रो एम्पियर में बहती है, इसलिए एक माइक्रो एम्पियर चाहिए। रेंज यहां हमने लिख रखी है, और यह डायोड और जीनर डायोड पर भी निर्भर करती है कि रेंज क्या रखी जाए। तो सामान्यतः हम 0 से 10 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज करते हैं, वोल्ट मीटर 0 से 10 वोल्ट और 0 से 1 वोल्ट का होना चाहिए, एक एमीटर चाहिए और एक माइक्रोमीटर चाहिए। प्रिंसिपल हम जानते हैं कि जीनर डायोड या डायोड के लिए, हम सिंपली डायोड की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीनर डायोड इज नॉट
is nothing but this is also a type of PN diode. तो PN diode के लिए current जो equation है current voltage equation that is I equal to IS exponential EV over KT minus 1 होता है. इन सिंबल्स का मतलब क्या है आप पहले से जानते हैं. I डायोड में करंट, IS रिवर्स सैचुरेशन करंट, V अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T टेम्परेचर. प्रैक्टिकल हम रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं इसलिए रूम टेम्परेचर को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करके यहां लिखना होगा. और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो यही इक्वेशन I इक्वल टू आई एक्स आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल ईवी ओवर के टी में परिवर्तित हो जाती है. इसका मतलब यह हुआ कि आप यदि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा. इस कर्व को मैं आपको आगे शो करूंगा. और रिवर्स वाइज की स्थिति में I इक्वल टू माइनस आई एस मीन्स करेंट का मान फिक्स हो जाता है. एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पे जाकर करंट वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हो जाती है. आई इक्वल टू माइनस आई एस इंडिपेंडेंट टू द वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज. तो यह इक्वेशन ये प्राप्त होती है. अब अगर अपन डायोड रेजिस्टेंस की बात करें तो डायोड रेजिस्टेंस एक स्टैटिक रेजिस्टेंस और दूसरा डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है. हम जैसा कि जानते हैं के रेजिस्टेंस वोल्टेज ओवर करंट है इसलिए अगर हम फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट का रेशियो ही आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस देगा. तो इस प्रकार हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वीएफ और आईएफ के अनुपात को कह सकते हैं या कहते हैं. और जब डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात होती है तो हम एक स्मॉल चेंज अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज में करते हैं और उस स्मॉल चेंज के करस्पॉन्डिंग जो करंट में चेंज होता है उसके अनुपात को हम रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस आरएफ इक्वल टू डेल्टा वीएफ ओवर डेल्टा आईएफ कहते हैं. इसी प्रकार हम रिवर्स वाइज की बात करें तो रिवर्स स्टैटिक रेजिस्टेंस आर आर इक्वल टू वी आर ओवर आई आर होता है और रिवर्स डायनामिक रेजिस्टेंस जिस तरह से रिवर्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल उसी तरह से रिवर्स डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा वी आर ओवर डेल्टा आई आर होता है. डेल्टा वी आर चेंज इन रिवर्स वोल्टेज एंड डेल्टा आई आर करस्पॉन्डिंग चेंज इन रिवर्स करेंट है. तो हम निश्चित रूप से यहां से यह समझ सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है चाहे वो डायनेमिक हो या स्टैटिक हो उसका मान रिवर्स डायनेमिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस के मान से बहुत अधिक होगा और यही इस डायोड की वीटी है. तो हम वही जीनर डायोड में जैसा कि मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर धारा के मान में एकदम से चेंज हो जाता है और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर धारा का मान एकदम बढ़ जाता है उस वोल्टेज को हम जीनर वोल्टेज या वीजेड कहते हैं. तो यह आपके सर्किट डायग्राम्स हैं, थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम्स ये मैंने सब खींच रखे हैं. आपको समझा देता हूं लीड किस प्रकार जोड़नी है वो डॉक्टर हेमंत महावर अपने लेक्चर में समझा देंगे आपको. तो ये एक पावर सप्लाई है और हम जानते हैं कि डायोड को अगर रिवर्स वाइज करना है तो उसका पी एंड पावर सप्लाई के प्लस से और एन एंड या एन शेरा पावर सप्लाई के माइनस से जोड़ना होगा. तो वही सर्किट अरेंजमेंट हमने किया है पावर सप्लाई के प्लस से डायोड का पी सिरा और पावर सप्लाई के माइनस से डायोड का एन सिरा जोड़ रखा है. क्योंकि हम जानते हैं कि करंट
एक अमीटर सीरीज में लगाकर नोट की जाती है। इसलिए हमने यहां सीरीज में देखिए ये प्लस और ये प्लस, यानी कि अमीटर मिली अमीटर को हमने इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई के सीरीज में लगा रखा है, जबकि जो वोल्टेज हमें नोट करनी है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पर कितना वोल्टेज डायोड के अक्रॉस मिलेगा, उसके लिए हमें एक अक्रॉस में वोल्टमीटर लगाना होगा। और वह वोल्टमीटर हमने ये लगा रखा है जो कि 0 से 1 वोल्ट की रेंज का है, चूंकि हम यहां पर एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने पर भी, यानी कि कम वोल्ट, इस वोल्टमीटर को आप यहां भी लगा सकते हैं, अक्रॉस होना चाहिए, आप इस पावर सप्लाई के अक्रॉस इन दो पॉइंट्स के बीच में भी इस वोल्टमीटर को लगा सकते हैं, तो एक स्मॉल वोल्टेज चेंज से ही पर्याप्त करंट मिलती है। इसलिए यहां जो वोल्टमीटर है वो 0 से 1 वोल्ट की रेंज का ही है और इसी रेंज का पावर हमें अप्लाई करना होता है, और वह की वही डायग्राम, सर्किट डायग्राम हम जीनर डायोड के लिए लगाते हैं। यह सिंबल जीनर डायोड का है जिसमें हमने इस लाइन को एक थोड़ा कर्ल कर दिया है जो कि जीनर डायोड का सिंबल है, बाकी इन दोनों डायग्राम्स में, सर्किट डायग्राम्स में कोई भी अंतर नहीं है। यह रिवर्स बायस के लिए पीएन संधि डायोड और जीनर डायोड का सर्किट डायग्राम है, जिसमें हम जानते हैं कि अगर रिवर्स बायस डायोड को करना है तो जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है या पॉजिटिव टर्मिनल है उससे हमें डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ना होगा, और इस कारण हमने यह सर्किट डायग्राम सेट किया है। और यही सर्किट डायग्राम जीनर डायोड के लिए भी है। यहां इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अधिक वोल्टेज लगाने पर, मैंने पहले ही बताया इस वोल्टमीटर को आप यहां लगा लीजिए, यहां या यहां लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्रॉस वोल्टेज है तो इसलिए ये बराबर ही आएंगे। तो हम देखते हैं कि अधिक वोल्टेज लगाने पर कम करंट मिलता है, इसलिए यहां माइक्रो एम्पियर मीटर या माइक्रो अमीटर लगाना होता है। हम जो करेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करते हैं, जैसा कि हमने बेसिक इक्वेशन में बताया था कि ये फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायस होने पर करेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होती हैं, वी और आई के बीच में जो कर्व है, फॉरवर्ड बायस होने पर यदि आप वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो करंट का मान एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, ये एक्सपोनेंशियली राइज को शो करता है। और ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं जहां हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर -4V, यानी कि रिवर्स वोल्टेज है इसलिए माइनस कह दिया, करंट का मान एकदम से बढ़ जाता है। तो ये रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक ये वाला पार्ट है और फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स ये वाला पार्ट है। यदि हमें VF और IF का रेशियो लेना है तो कोई भी पॉइंट आप यहां सेलेक्ट कर लें और यहां से परपेंडिकुलर एक यहां डाल दें और इससे एक परपेंडिकुलर यहां डाल दें, तो किस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कितना करंट है उसका अगर आप अनुपात निकालेंगे तो वह अनुपात आपको फॉरवर्ड स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। और स्टैटिक डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको चेंज देखना होगा, इसलिए इस चेंज को हमने यहां डेल्टा VF लिया है, इधर वोल्टेज है इस एक्स एक्सिस पे, तो डेल्टा VF यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज में चेंज और उसके करस्पॉन्डिंग, उस चेंज के करस्पॉन्डिंग जो फॉरवर्ड करंट में चेंज है उसके लिए हम यहां परपेंडिकुलर डालेंगे और इन दोनों का जो रेशियो है उसको निकाल लेंगे। इसी प्रकार रिवर्स के लिए ये है, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स पे भी रिवर्स स्टैटिक और रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए वही काम करना होगा जो हम फॉरवर्ड बायस के लिए कर चुके हैं। यही करेक्टरिस्टिक्स यहां पे आप देख रहे हैं कि जब जीनर डायोड के लिए खींची है तो ये जो स्पेस है वो कम हो जाता है, यानी कि जीनर डायोड में जो करंट, जीनर डायोड विशेषकर हम इसी रीजन में काम लेते हैं, ये रीजन जीनर डायोड के लिए यूजफुल नहीं है, जीनर डायोड के लिए उसकी सिर्फ रिवर्स वाइसिंग ही इंपॉर्टेंट है। और यहां आप देख रहे हैं कि ये जो स्पेस था वो यहां कम हो गया।
तो ये डॉपिंग कंसंट्रेशन को चेंज करके किया जा सकता है। ये आपका